Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं आपके grammar portion से कुछ question लेकर आई हूँ. मैंने पहले भी videos upload किया है grammar के लिए, article, preposition और letter, application, notice इन सब के लिए 10th, 12th के literature के ऊपर मैंने cover up किया है. आप मेरे channel पर जाकर check करें. प्लेलिस्ट बना दी है मैंने आपके कॉन्वीनियंस के लिए. अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके. कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के होने वाले हैं, तो आई होप आपके लिए ये यूजफुल हो और होगा भी क्योंकि ग्रामर पोर्शन काफ़ी आते हैं एग्जाम में और आपके लाइफ में भी ये काफ़ी काम आते हैं. डे टू डे लाइफ में आपको हर दिन इंग्लिश में कुछ ना कुछ किसी को कन्वे करना रहता है या फिर कन्विंस होना रहता है, तो उसके लिए इंग्लिश एक माध्यम बनता है, जरिया बनता है. तो कुछ सिंपल से वर्ड्स हैं. इट मींस प्रीपोजिशन काफ़ी यूज होता है आपके बात को कन्वे करने के लिए. तो मैं उसी से कुछ सवाल लेकर आई हूँ. मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किया है प्रीपोजिशन पर, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक करें. आइए देखते हैं क्वेश्चन. ये काफ़ी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, I prevented her to selling her ornaments. आपको कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप वर्ड को हमेशा याद रखिए, डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं ताकि वर्ड में फंसिए नहीं. जितना इंग्लिश आजकल ग्लोबल हो गया है, सब चीज़ों में आपको समझने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए आप खुद को मॉडर्नाइज करिए, कुछ इंग्लिश के वर्ड से रिलेट करिए खुद को, उसको समझने की कोशिश करिए. फर्स्ट क्वेश्चन, आई प्रिवेंटेड हर टू सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स. प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना. तो इसका मतलब कि मैंने उसे रोका उसके गहने बेचने के लिए. ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है ज्वेलरी. मैंने उसे रोका उसके गहने बेचने से. इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स. यहाँ पर प्रिवेंटेड के लिए टू नहीं, प्रिवेंटेड के लिए फ्रॉम यूज हुआ है. कोई कोई वर्ड होते हैं जिस जो अपने साथ कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन कैरी करते हैं. तो आगे फर्दर वीडियोस में या फिर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कौन से वर्ड होते हैं. मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं इस टॉपिक के ऊपर. तो यहाँ पर है आई प्रिवेंटेड हर टू सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स. तो यहाँ टू गलत हो जाएगा, होगा कि मैंने उसे रोका किस चीज़ के लिए? ऑर्नामेंट्स, उसके गहने बेचने से. इज दैट क्लियर? आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. We must abide of the law. देखिए, कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको पता होने चाहिए कि उसके मतलब क्या है. Abide का मतलब होता है पालन करना, उस चीज से बंधे रहना. तो कहीं ना कहीं हम सब लोग लॉ जो होता है, कानून जो होता है, उससे बंधे हुए हैं, उसका पालन करना है हमें. तो वी मस्ट एबाइड ऑफ नहीं होता है, एबाइड बाई होता है. ये भी एक सर्टन प्रीपोजिशन कैरी करता है खुद के साथ, जो कि होता है एबाइड बाई. तो हम लोग को अपने कानून के, अपने लॉ की रक्षा करनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए. ये सेकंड है. मस्ट यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि कभी भी फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो या फिर लॉ हो इसके, या फिर ट्रैफिक लॉ हो, ट्रैफिक रूल्स हो, उसके लिए शुड यूज होते हैं लेकिन काफी कम होते हैं. वहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आपको यूज करना है कि नहीं करना है, आपको ये सब चीज पालन करने ही करने हैं. इसलिए यहाँ शुड नहीं, मस्ट होगा. इज दैट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश अमॉन्ग राइट एंड रॉन्ग. एक बच्चा जो है वो अंतर नहीं कर पाता. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना. अंतर नहीं कर पाता सही और गलत के बीच. यहाँ पर अमॉन्ग यूज हुआ है. आप सभी को पता होगा कि अमॉन्ग और बिटवीन में फर्क होता है. अमॉन्ग जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए होता है, फॉर मोर देन टू. और जो बिटवीन होता है वो दो चीजों के लिए होता है. इसका सही जवाब होगा अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. एक बच्चा फर्क नहीं कर पाता सही और गलत के पीछे. तो यहाँ पर अमॉन्ग नहीं होगा, बिटवीन होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. ही एब्स्टेंस टू लग्जरीज. ही एब्स्टेंस फ्रॉम लग्जरीज. एब्स्टेंस का मतलब होता है बचना, वो चीज नहीं करना. तो वो लग्जरी में, लग्जरी का मतलब होता है आराम वाली जिंदगी, आराम देह जिसको कहते हैं, आराम से रहना, वैसी चीजें यूज करना जो आपको आराम दे सके.
तो वो उन सब चीजों से बचता है। तो एब्सटेंस टू नहीं होता है, एब्सटेंस फ्रॉम होता है। एक रिफ्रेन भी यूज होता है, दोनों में अंतर होता है, एब्सटेन में और रिफ्रेन में। तो यहाँ पर एब्सटेंस टू नहीं होगा, एब्सटेंस फ्रॉम होगा। आप क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मे बी आपके एग्जाम्स में आए। फिफ्थ क्वेश्चन, वी शुड प्रे गॉड, हमें भगवान को पूजना चाहिए, भगवान की अर्चना करनी चाहिए, जो भी प्रे हो वो सब करना चाहिए। तो किसकी करनी चाहिए? वी शुड प्रे गॉड नहीं होता है, प्रे टू होता है। किसकी करनी चाहिए? भगवान की। तो वी शुड प्रे टू गॉड, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ प्रे के और गॉड के बीच में हमेशा टू यूज होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आज का सवाल बस इतना ही था। आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी फीडबैक सजेशन हो आप जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।